वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 8 पोह 23 दिसंबर अज का वो दिन है जदों इतिहास की सब तो असामी लड़ाई चमकौर की धरती उत्ते वापरती है। सवेरा हुंदा है, आसे पासे उही फौजां इकट्ठियां हो के घेरा पै जांदा है। 10 लाख का घेरा है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि 10 लाख की गिणती विच कित्थों लोग आ गए। ये 10वें पातशाह ने खुद जफरनामे में जो दीना कांगड़ तो औरंगजेब नूं लिखिया सी उहदे विच जिक्र कीता है कि 40 भुखण भाणे सिंघां दे उत्ते 10 लाख ने फौज ने जदों हमला कीता है ते की ये इस्लाम दा इस्लाम सी, ये की ये धर्म दा काम सी। औरंगजेब सवाल करते हैं, असीं मन के चलते हाँ कि 10 लाख का घेरा पिया होया ते उहनां नूं लगता है कि इस कच्ची हवेली विच किन्ना कु चेर गोबिंद सिंह बैठ सकते हैं। असी चौटी कुछ मिनटों में ही इनू सर कर लेना है। हमला करने की तैयारी होंदी है। हवेली के उपर एक ममटी बनी हुई है उच्ची थां दे उत्ते, उहदे विच बैठ जांदे ने 10वें पातशाह। तीरां दा भंडार इकट्ठा कर लैंदे ने 10वें पातशाह, जिथे एक रूहानीयत दे गुरु ने, बहुत बड़े साहित्यकार ने, कवि ने, बाणी दे रचनकार ने, उहदे नाल नाल बहुत बड़े सिपाही ने, योधे ने ते जरनैल ने। वो एक बार एक कमान दे उत्ते इकट्ठे 5-5 तीर जड़े ने इकट्ठे चढ़ा के चिल्ले दे उत्ते छड़ सकदे ने। इतिहास लिखता है कि कई खचरां तीरां दा जड़ा सीगा भार वो 10वें पातशाह ने उस दिन अज दे दिन 8 पोह नूं चमकौर दी कच्ची हवेली दी ममटी च बैठ के फौजां वल दुश्मन फौजां वल छड़िया सी। पातशाह उस ममटी विच बैठ जांदे ने, जे कोई लागे आउंदा उहदा तीर दे नाल उहदा मुकाबला करदे ने। तरकीब इह बनाई गई, 5-5 सिंघां दे जथे बाहर निकलणगे हवेली विच्चों ते उह मुगलां नाल लड़ाई लड़नगे। उह 5-5 दे जथे बाहर जांदे ने ते जदों 5 बाहर जांदे ऐ ते दुश्मन दीआं सफां विच तरथली मच जांदी ऐ। उह 1.25 लाख नाल लड़न वाली जिहड़ी गल सी उह सच हुंदी ऐ। उह 5 शहीद हो जांदे ने, 10वें पातशाह जकारा छड़दे ने, अगले 5 चले जांदे ने। फिर साहबजादा अजीत सिंह जी की अगवाई दे विच 5 सिंघां दा जथा उन्हां दे नाल जांदा है मैदाने जंग दे विच, ते ओह मैदान दे विच इन्नी बहादुरी नाल लड़दे है कि लोग मूँह दे विच उंगलां पा के बैठ जांदे है कि कोई इन्नी बहादुरी दे नाल भी लड़ सकदा है। काफ़ी लंबा समा वह सैकड़े दुश्मनां नूं मार के पिछों बरछी दे वार दे नाल जख्मी हो जांदे ने ते अनेकां तीरां दे नाल उन्हां दा शरीर बिन्न हो जांदा है ते सैकड़े जख्मां दे नाल 10वें पातशाह जी दा वड्डा पुत्तर साहिबजादा अजीत सिंह मैदाने जंग दे विच शहीद हो जांदा है। नाल दे 5 सिंघ भी शहीद हो जांदे ने। उस तों बाद साहिबजादा जुझार सिंह दी अगवाई दे विच अगला जथा जांदा है, उह भी बहुत बहादुरी नाल लड़दे होए इसे तरह मैदाने जंग दे विच शहीद हो जांदे ने। उन्हां दी शहादत तों बाद सारा दिन ये जंग चलता रहा। शाम तक 40 दे विच्चों 11 सिंघ बचे ने ते 10वें पातशाह बचे ने। 29 सिंघ दो साहबजादे अज दी लड़ाई दे विच शहीद हो गए ने मैदाने जंग दे विच। ते हमला करके आउण वालियां जिहड़ियां फौजां ने कई हज़ार दी नुकसान करवा के भी उन्हां दा हौसला नहीं पिया कि वह चमगढ़ी दे उत्ते जां कच्ची हवेली उत्ते हमला करके 10वें पातशाह नूं पकड़ सकन जां उन्हां नूं शहीद कर सकन। सारा दिन ये जंग चलती रही। शाम तक 29 सिंघ शहीद हो गए ने ते इन्हां शहीदां दे विच बहुत सारे वो लोग ने जिहड़े बहुत बड़े बड़े विद्वान ने। पंडित कृपा राम दत्त जिहड़ा कश्मीर सिख धर्म का प्रचारक सी, जिस की अगवाई विच उत्तर भारत के पंडितों ने 9वें पातशाह के दरबार च आके फरियाद की सी, वो पंडित कृपा राम अमृत छक के कृपा सिंह बन गया सी, वो भी अज की लड़ाई दे विच शहीद हो चुका है। पंजोखरे का कृष्ण लाल ब्राह्मण जिनमें 8वें पातशाह नूं चैलेंज किया सी हंकार दे भरे हुए ने, ते 8वें पातशाह ने कौतक वरता के छज्जू पासों गीता दे अर्थ करवा दिते सन, ते ओह कृष्ण लाल ब्राह्मण भी गुरु साहब का मुरीद हो गया सी, अमृत छक के कृष्ण सिंह बन गया सी। तो कृष्ण सिंह भी अज दे दिन 8 पोह नूं चमकौर दी उस लड़ाई दे विच शहीद हो गया सी। मेरा कहने का भाव है कि इस लड़ाई में शहीद होने वाले 29 सिंह जड़े ने वो सारे मुखी
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਰਮੂ ਮਲਾਹ ਜਾਂ ਕੰਮੂ ਕੀਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਰਸੋਈਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਸੋਈਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ 8 ਪੋਹ 23 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।